गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास H2S, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, जबकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो ये हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये हो जाता है हमारा। अगर मैं बात करूं सल्फर और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन टर्मिनल एटम में होगा और सल्फर ये सेंट्रल एटम होगा, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो मैं यहाँ 6 बना देता हूँ। ऐसे कैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। जब शेयर कर लेगा तो ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाएंगे और ये लोन पेयर दिखाई देने लगेंगे। अब मैं इसकी बात करूँ अगर शेप की, तो शेप चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ इसकी शेप, हालांकि यहीं पर बता दे रहा हूँ शेप कैसी होगी। ये दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो शेप एक्चुअल में इसकी इस तरह बनेगी, इस तरह से दो लोन पेयर यहाँ दिखाई देंगे, जैसे वाटर की शेप होती है ये, तो ये कैसी शेप होती है, बेंड शेप, बेंड शेप, ठीक है। वैसे एंगल कितना होना चाहिए, 180, बट ये लोन पेयर की वजह से इनमें रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा BACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, और रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर वही अप्रॉक्सीमेट 104 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। अब मैं सेकेंड में ले रहा हूँ SiCl4, इसका नाम होता है सिलिकन टेट्राक्लोराइड। सिलिकन जो होता है, सिलिकन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो 14 है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन होता है ग्रुप 17 में, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैं सिलिकन को यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे कैसे इसकी सराउंडिंग में बना लेता हूँ Cl को। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से आप डॉट से बना दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है, ये और सिलिकन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई। 1-1 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा, इस तरह से 1-1 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर लेगा, और इसकी शेप किसके सिमिलर होगी, मीथेन के सिमिलर होगी। और मीथेन इसका किस तरीके से लिखेंगे हम, SiCl, और ये Cl, एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट, और शेप होगी इसकी टेट्राहेड्रल, मीथेन के सिमिलर हो जाएगा ये, हालांकि शेप तो बाद में भी बताई जाएंगी। तो ये आपकी दो यहीं से क्लियर हो रही हैं, एक तो SiCl4 और ये H2S, ये दोनों शेप मैंने आपको यहीं पर बता दी। सेकेंड क्वेश्चन में भी है ये, तो सेकंड क्वेश्चन में इसमें शेप पूछी है, इसमें केवल लुईस स्ट्रक्चर पूछी है, तो लुईस स्ट्रक्चर ये बनेगी इसकी, और जो शेप की मैंने बात की तो ये टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी, ठीक है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, मीथेन के सिमिलर है ये। अब मैं बात कर रहा हूँ BeF2 की, BeF2 बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है, बेरिलियम आता है आपका ग्रुप सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ मेंशन कर लेता हूँ इस तरह से। ऐसे कैसे फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ग्रुप 17 में आएगा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, एटॉमिक नंबर 9 ग्रुप 17 एलिमेंट, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ऐसे कैसे मैं क्लोरीन यहाँ बना लेता हूँ, और ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और Cl, B और ये Cl। अब देखिए बस, सॉरी मैंने यहाँ F बनाना था, F एक्चुअली क्या, क्लोरीन भी जो है वो इसी के सिमिलर होता है, क्योंकि उसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ तो आप फ्लोरीन बना दीजिए BeF2, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके एंगल की, हालांकि इसमें केवल ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर पूछा है, अगर मैं एंगल वगैरह की इसमें बात पूछी नहीं उसने, शेप वगैरह की, वैसे ये शेप लीनियर शेप होगी, शेप कैसी होगी, लीनियर। और एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल 180 डिग्री का होगा, ठीक है, लीनियर शेप है, एंगल 180 का होगा। कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ CO3-2 की, तो कार्बोनेट में क्या होगा कि कार्बोनेट और माइनस का चार्ज है,
तो माइनस के टू चार्ज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन को इस तरह से बना लें, ऑक्सीजन के पास होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसके टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, या यहाँ पर मैं वन कर लेता हूँ, यहाँ भी एक वन कर लिया, यहाँ भी एक वन, ये इस तरह से मैंने मेंशन कर लिए, हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन, तो मैं फोर को ऐसे मेंशन कर लेता हूँ। अब देखिए माइनस टू का मतलब क्या है, माइनस टू का मतलब ये है कि किसी ऑक्सीजन एटम पर, ध्यान रखें जितना भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है वो उसके टर्मिनल एटम पर आता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल एटम पर आएगा, उसके टर्मिनल एटम पर आएगा। टर्मिनल एटम कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर ये चार्ज आया हुआ है। चार्ज माइनस का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन एटम पर ज़्यादा नहीं होंगे, दोनों एटम डिफरेंट ऑक्सीजन पर वन वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करना है आपको, तो आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, मैं मान लीजिए डेल्टा, स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये भी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डॉट से हमने रिप्रेजेंट किए जो इसके ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वन इलेक्ट्रॉन जो इसने बाहर से लिया हुआ है तो ये मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये तो इसके साथ एक एक से बॉन्ड बना लेगा। इसके पास कार्बन के पास इस समय कितने हो गए, सिक्स, अभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, तो कितने हो जाएंगे इसके पास में, इसके पास में हो जाएंगे कार्बन, इसके कार्बन के पास हो जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन, तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, ये हो जाएगी इसकी लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करिए, अब मैं बात कर रहा हूँ BCl2, ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, डिस्कस द शेप ऑफ BCl2, BCl3, SiCl4, H2S और PH3, इन दोनों के बारे में मैंने अभी इसी क्वेश्चन में बता दिया था। अब मैं BCl2 की बात करूँ तो BeCl2, तो बेरिलियम में अभी देखा था BeF2, सिमिलर होगा उसके बिल्कुल, तो Be 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में, इधर ये Cl, ये 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, ऐसे कैसे ये वाला Cl, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब आपको पता है BE के पास कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा ऑक्टेट रूल का, तो ऑक्टेट रूल का ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको मेंशन कर लूँ, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, शेप होगी लीनियर, ठीक है, BeF2 के सिमिलर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ BCl3 की, इसका नाम होता है बोरोन टेट्रा क्लोराइड, बोरोन की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रुप 13 का एलिमेंट आता है, अब ग्रुप 13 के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरोन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर वैसे 5 होता है, तो ये ऐसे करके लिखेंगे 2, 3, तो बोरोन यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, जो वो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है इसको, ये मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बना लिए ये इस तरह से। अब ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ शेयर होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो फाइनली क्या होने वाला है, BCl CN CN CN। शेप की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो शेप इस तरह से बनने वाली है, लोन पेयर तो है नहीं इसके पास में, तो ये शेप इस तरह से बनने वाली है, और ये शेप जो होगी तो इसका एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और शेप कैसी होगी ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल के साथ में ये सभी एक प्लेन पे आ जाएंगे, तो इसको हम प्लेनर भी कहेंगे, ज्योमेट्री इसकी कैसी हो गई प्लेनर। तो BCl3 में ये 120 एंगल होता है और इस तरह से ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब ये भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, इसके पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तभी ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। ये दोनों मैंने बता दिए थे, अब मैं बात कर रहा हूँ PH3 की। PH3 जो होगा वो अमोनिया के सिमिलर होगा, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 मतलब आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वैसे एटॉमिक नंबर होता है 5, 15, 2, 8, 5, और हाइड्रोजन के बारे में आपको बताइए P, और यहाँ पे मैं H बना लूँ, यहाँ H, यहाँ H, ये 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हाइड्रोजन, इनके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक के साथ शेयर हो जाएंगे, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन इसमें लोन पेयर रहेगा। अब वैसे ये शेप कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, लेकिन अब ट्राइगोनल नहीं रहेगी, ये यहाँ पे एक H यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, ये लोन पेयर की वजह से प्रॉब्लम आएगी, ये लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन होगा BACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब लोन पेयर का जब इसके ऊपर रिपल्शन होगा तो इसकी जो एंगल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री हो जाएगा, ठीक, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, मैं कहीं पर वेरी भी कर सकता थोड़ा बहुत। और अगर मैं बात करूँ इस शेप की तो ये इस तरह की शेप है, इस तरह की शेप है, ये प्लेनर तो नहीं हो सकता, प्लेन पर नहीं आएगा, तो ये प्लेनर तो शेप नहीं है, लेकिन ये ट्राइगोनल तो हम बोलेंगे ही,
ट्राइगोनल, ये पिरामिडल शेप है, शेप नहीं होती है एक्चुअली, ज्योमेट्री होती है। शेप तो इसकी ट्राइगोनल ही है, लेकिन ये ज्योमेट्री इसकी कैसी है, पिरामिडल। ये प्लेनर था, ये पिरामिडल हो गया, और किसकी वजह से हो गया, लोन पेयर की, जबकि प्रोटॉन के पास लोन पेयर था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दीज कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H2 और C2H4। अब मैं इनकी शेप पहले बनाता हूँ। टू कार्बन है, हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हैं, टू। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कार्बन की कनेक्टिविटी कितनी होती है, फोर बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब इसको मैं कार्बन नंबर वन एज्यूम कर लूँ, इसको कार्बन नंबर टू। तो इसमें क्या होगा कि मुझे दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए क्या होगा, ये भी हमारा एक बॉन्ड पेयर है और ये भी हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर। इसमें बस ये है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी एक है, ये भी एक है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें अगर बॉन्ड पेयर टोटल काउंट किए जाए तो कितने होंगे, 2। तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, ठीक है। ऐसे कैसे इसमें है, इसमें भी क्या होगा, sp। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपके पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये आ गए, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, 1 2, इसको भी मैं कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 एज्यूम कर लेता हूँ, 1 2, और ये पूरा पूरा माना जाएगा 3। तो 3 बॉन्ड पेयर है इसमें, तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर वन है, अगर मान लीजिए बॉन्ड पेयर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और अगर मान लीजिए अगर बॉन्ड पेयर हमारे पास में 3 आते हैं तो sp2, और बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 आते हैं तो sp3। ऐसे कैसे इसमें भी हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा, sp2, और इसमें क्या हो गया, sp। नेक्स्ट उसने पूछा है, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन कार्बन एटम्स। अब इनमें हमें बताना है कि इनमें कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो देखो जैसे CH3 CH3 है, तो मैं अगर इसकी बात करूँ, शेप इस तरह से बनेगी, इसको ईथेन कहते हैं। इसमें इसको ईथेन कहते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 4, 1 2 3 4। तो अगर मैं बात करूँ इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो इसमें 4 है तो कितना होगा इसका, sp3, इसका भी कितना होगा, sp3। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर मैं इसकी बात करूँ तो CH3 को मैं ऐसे करके लिख दूँ, HHH CCH डबल बॉन्ड CHH, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको नंबर से मेंशन कर लो, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसके सराउंडिंग देखो कितने बॉन्ड है, इसके सराउंडिंग है 4, तो ये क्या हो जाएगा, sp3। इसके सराउंडिंग आप देखें 1 2, और ये डबल बॉन्ड, ये भी बॉन्ड पेयर में काउंट होगा, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। अगर इसकी बात करें तो 1 2 और ये 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2। इसकी बात पे आइए तो ये CHHHHH और ये आपका आ गया OH। दोनों कार्बन का बताना है इसमें आपको। तो इसमें क्या है, कार्बन नंबर 1 है ये, इसको मैं 1 और इसको 2 एज्यूम कर लूँ, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो इसका क्या होगा, sp3। 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब आप आ जाइए इस पर CH3CHO पर। तो CH3CHO की अगर मैं बात करूं तो CH3CHO में इस तरह से यहाँ पे हो गया H डबल बॉन्ड लगा के O, तो ये बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे पास में, 4, तो ये क्या हो गया, sp3। 1 2 और ये 3, ये भी 1 में ही काउंट होगा, तो क्या हो गया ये, sp2, तो 3 हो गए। ऐसे कैसे इधर आ जाइए आप, CHHH यहाँ पे आ गया, C डबल बॉन्ड OOH, इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, sp3, 1 2 3, तो ये हो गया sp2। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाले जाएंगे ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग N2 O2 एंड O2+। अब अगर हमें कभी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो MOT कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा।
एमओटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर ये होता है। ये किसके लिए होता है वैलिड है? ये वैलिड होता है केवल मोर ओनली फॉर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये उसके लिए वैलिड होता है। अगर किसी ऐसी स्पीसीज है कोई जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है तब ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अगर मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाए तो फिर इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़ हमारी इधर आ जाती है। उसका रीज़न अपने लोग बाद में देखेंगे, ये बताया होगा जब आपको एमओटी कराई जाती है। तो ये 2pz जो है सिग्मा 2pz वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन कब? जब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14 से ज़्यादा। बाकी 14 तक तो आप इसी ऑर्डर को फॉलो कर दें। कैसे करना है अपने को वो देखना है। हमें करना है जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ N2 की, तो मुझे बात करनी है इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, नाइट्रोजन है कितने 2, तो यहाँ पर कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये स्पीसीज जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसके लिए मैं यही वाला ऑर्डर फॉलो करूँगा। कैसे करके फॉलो करना है, जैसे सिग्मा 1s, यहाँ पे s के अंदर कितने आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा है किससे, इसकी सिग्मा 1s स्टार, जितने भी स्टार वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग देखो, बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट करते हैं हम वो कैसे करते हैं, हाफ Nb-Na, ये होता है। ए स्मॉल बना देता हूँ। यहाँ Nb का क्या मतलब होता है, Nb इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, मैंने MO लिख दिया। अगर मान लीजिए मैं बात करूँ Na की, तो Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब MO। अब जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, अगर मैं बात करूँ बॉन्डिंग मॉलिकुलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जितने भी स्टार वाले हैं वो तो सभी मैंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल BMO मैंने लिख दिया, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इससे ज़्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की। इसीलिए जितने स्टार वाले हैं वो सब बाद में आ रहे हैं, तो स्टार वाले जिन पर स्टार मार्क किया हुआ है ये सभी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं, और जिन पर स्टार मार्क नहीं किया हुआ है वो सभी आपके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन आपको बता दें, इनमें सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑर्बिटल है। तो यहाँ सिग्मा बनेश टू स्टार, यानी कि ये बॉन्डिंग और इसका एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s और 2s2, अब ये कैसा है बॉन्डिंग, अब इसका भी आगे क्या आएगा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 स्टार, ठीक। फिर इसके बाद में क्या आएगा, ये हमारा आ गया पाई 2px, फिर इन दोनों की एनर्जी सिमिलर है इसीलिए इनके आगे ये साइन है, तो इनकी एनर्जी सिमिलर है तो मैं पाई 2px2 कर दूं, एनर्जी सिमिलर है पाई 2py कर दूं 2, इनकी भी एनर्जी कैसी है सिमिलर, और ये सभी कैसे हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब टोटल इलेक्ट्रॉन भी आप काउंट करते चले भाई, 2, 2, 4 और 2, 6, 6 और 2, 8, 8 और 2, 10, 10 और 2, 12, इससे ज़्यादा फिर किसकी एनर्जी होने वाली है, सिग्मा 2pz2 आएगा, ठीक है ना। अब मुझे आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग वाले कौन से हैं, जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है, जैसे ये तो 2, 2, 4, 4 और 2, 6, 6 और 2, 8, 8 और 2, 10, तो हमारे पास Nb कितने आ गए 10, और अब मैं एंटी बॉन्डिंग की बात कर लूँ तो 14 है 4 हो जाएंगे वो, Na कितने हो जाएंगे हमारे 4, ठीक है। वैसे भी यहाँ से पता लग रहा है 2a हैं स्टार वाले, ये इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लें, बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ Nb-Na, तो आप देखें हाफ Nb में कितने आए हैं हमारे 10-4, कितना हो गया हाफ (2)6=3, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, जो एटम्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं इन्हीं के नंबर को कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। बाउंड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ाया जाता है जब अपने लोग MOT पढ़ते हैं, तो MOT के हिसाब से यही स्पेक्ट जो आपकी सीरीज है ये, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज बोलते हैं इसको।
अब यहाँ पर हमने पता लगा लिया। अच्छा ये चीज़ हम यहाँ से भी देख सकते थे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ यहाँ से भी पता लग जाती, लेकिन हमें तो कैलकुलेट करके पता करना था। इसके बाद अब हमें देखना क्या है, अच्छा इसमें और भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और भी चीज़ें क्या देखी जा सकती हैं, ये सभी कैसे हैं पेयर्ड है, और जो पेयर्ड होते हैं ये सभी कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक। अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है, और पेयर्ड नहीं है अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। सभी आपके दिखाई दे रहे हैं पेयर्ड है, कोई भी आपका वन नहीं है अनपेयर्ड नहीं है। अब देख लेते हैं O2, O2 में इलेक्ट्रॉन 8 to 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये ऑर्डर तो काम नहीं करना, क्योंकि ये तो किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। इसमें क्या होगा, ये इधर के लिए आ जाएगा हमारा, तो मैं इसको फिल करता हूँ, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 1s2 स्टार, ठीक, फिर क्या आएगा सिग्मा 2s2 स्टार, नहीं होगा स्टार अब लगेगा, सिग्मा 2s2 स्टार, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद ये चीज़ हमारी इधर के लिए आ जाएगी, तो क्या होगा हमारा सिग्मा 2pz2। उसके बाद ये दोनों कैसे हैं, इनकी एनर्जी सेम है, तो एनर्जी सेम है तो मैं इसको यहाँ लिख लूँ 2px और 2py, ठीक है। अब इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है वैसे, लेकिन इसमें तो हमें पूरे पूरे दो दो फिल कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास बहुत है, 2 और 2, 4 और 2, 6 2, 8 2, 10 10 और 2, 10 और 4, 14 हो गए, अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसमें फिल करना पड़ेंगे हमें। पाई 2px, एनर्जी सेम है, पाई 2py, लेकिन ध्यान रखें ये सभी कैसे हैं एंटीबॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करना है हंट्स रूल को ध्यान रखते हुए। हंट्स रूल क्या बोलता है, पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल कंटेन एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलता है वो, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना हमें, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब पहले आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए, हाफ Nb-Na, तो Nb हम कहाँ से निकालें, बॉन्डिंग वाले जिन पर स्टार नहीं है, तो 2, 2, 4, 4 और 2, 6, 6 और 2, 6 और 2, 8, 8 और 2, 10, तो केवल 10 है आपके पास माइनस। फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए, 2, 2, 4, 4 और 2 टोटल 4 और 2, 6, ठीक, तो हाफ ये कितना आएगा 4 आएगा, आई थिंक कितना आ गया 2, सही है। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं कि ये इसको डबल बॉन्ड होता है इनके दोनों के बीच में। इसमें एक चीज़ और आपको पता लगेगी, वैसे आप देखकर नहीं बता पाओगे, एक तो ये सभी कैसे इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखकर पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ से MOT ने ये बता दिया है कि ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास 2, तो ये कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखें ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, सही है, O2 पैरामैग्नेटिक है, O2 प्लस आ जाए ये, तब क्या होगा, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया, तो इसमें कितने बच गए 15 इलेक्ट्रॉन। जब भी कभी ऑड आएगा तो वो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भी भर लो वो अनपेयर्ड ही रहेगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो लास्ट में यहाँ से कम कर देता हूँ मैं, सही है, तो एंटी बॉन्डिंग का ही कम हुआ। अगर एंटी बॉन्डिंग का कम हुआ है तो ये चीज़ हमारी कितनी हो जाएगी 5, और अगर ये 5 रह गई तो ये 5 बचा, यानी कि मैं इसकी अगर बात करूं तो ये कितना आएगा 2.5। ध्यान रखें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उस हिसाब से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। रीज़न उसका ये है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट होता है, बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ते चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें बढ़ जाएंगे, मतलब 2.5, ऐसा नहीं है कि 0.5 में कोई नया बॉन्ड बन जाएगा, 2.5 का मतलब ये 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई बॉन्ड होता नहीं है, होता नहीं है, बस इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें अनपेयर्ड कितने आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, इसमें 2 नहीं रहेंगे, ध्यान रखें बॉन्ड तो यहाँ ये डबल ही एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, पैरामैग्नेटिक ये भी रहेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था MOT से रिलेटेड, वो मैंने इसका एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी होता है, इसी को आप डायग्रामिक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी फिर एनर्जी वगैरह उसकी ध्यान रखी जाती है। जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात करूँ, तो देखो ऐसा होता है इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ऑर्बिटल यहाँ बना लिया, एक ऑर्बिटल यहाँ बना लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, और इस तरीके से यहाँ पे
ऐसे करके बना लिया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने हैं, टू, ठीक, इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे आके, यहाँ फिल हो जाएंगे आके, यहाँ फिल हो जाएंगे आके, यहाँ फिल हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा टॉप टू बॉटम, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है, और ये वाला कैसा हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जो बाहर वाले ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी बढ़ाते चले जाइए ऊपर के लिए, ठीक है ना, तो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का ये चीज़ अलग है, हालांकि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको पता है तो आप इसके हिसाब से भी बता सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।